दूसरी अजबे कुरान कह रहा हूं, दूसरी बात तकलीद आबा। कभी हम जो अपने बाप दादा से होता हुआ देख रहे हैं, अब हम तो उसी पर चलेंगे, जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, ये एक जमूद की कैफियत होती है, दिमाग की खिड़कियां बंद करने की कैफियत, मजीद कुछ सोचने को तैयार नहीं। यहां तुम्हारे बाप दादा भी अगर तुम जैसे ही हो, वो भी जमूद का शिकार हो, तो फिर क्या करोगे? तीसरा सबब गुमराही का, फरमाते हैं वो अपने आप से फारिग होकर दूसरों पे तनकीद में लग जाना। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, मियां दूसरे बुराई करते हैं करते रहे, तुम अगर खुद हिदायत पे हो तो दूसरों की बुराई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, तो बुराई से रोको, तबलीग करो, लेकिन दूसरों के पीछे हाथ धो के पड़ जाना और अपने आप से फारिग हो जाना, दुनिया में सबसे आसान काम तनकीद करना है। जिस पे चाहो तनकीद कर दो, अल्लाह मियां पे कर दो, फरमाया गैर जरूरी तनकीद और अपने आप से फारिग हो जाना। मैं ये तीन गुमराही के असबाब बयान किए और फरमाया इसमें एहतियात की जरूरत है।